गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इट्स अ वेरी नाइस डे टुडे। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों की कि विधानसभा चुनाव आखिर चल कैसे रहे हैं, किस रफ्तार से हैं, गति क्या है। 2017 में हमने देखे थे विधानसभा चुनाव किस गति से चले थे। लहर थी, लोगों के अंदर जुनून था वोट देने का, लोग परिवर्तन चाह रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना वोट पड़ा कि ऐसा लगा कि वोटों की बारिश हुई है। हालांकि इस बार जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें उतना वोट देखने को नहीं मिला, उस तरीके से, उस जुनून के साथ, उतना ताबड़तोड़ जिसको बोलते हैं, बम्पर वोट जिसको बोलते हैं, वो नहीं पड़ा। तो ये बात तो साफ हो गई, ये स्थिति तो साफ हो गई कि लहर किसी की नहीं है, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे RLD हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे हाथी क्यों ना हो, लहर तो किसी की नहीं है। तो अब यह जानना बेहद अहम है कि जो सेंट्रिक करना चाह रहे थे जिस पर चुनावों को, बीजेपी का जो हाईकमान है, क्या उस पर सेंट्रिक हुआ। मतलब योगी जी चाह रहे थे कि 20 वर्सेस 80 हो जाए, तो क्या 20 वर्सेस 80 हुआ। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो चाह रहा था कि जो 80 है उसको भी 20 20 20 20 20 करके बांट दिया जाए। तो फिर जो 20 20 20 20 हैं इनको कहीं से जोड़ा जाए, निचोड़ा जाए और जीत हासिल की जाए। उत्तराखंड में भी कमोवेश ऐसा ही कुछ चल रहा है। उत्तराखंड के हालांकि मसले अलग हैं, मुद्दे अलग हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी है जरूर, लेकिन अभी वो नई पार्टी है। उसको लेकर लोग जो जानते हैं, पहचानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग दिल्ली मॉडल के बारे में नहीं जानते, दिल्ली के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जो एक होता है ना घनघोर स्थानीय है, तो वहाँ समस्या है। तो आज हम जब चुनावों की बात कर रहे हैं तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरे दोनों जो प्रदेश हैं, इसके साथ तीन अन्य प्रदेश और हैं, गोवा है, पंजाब है, मणिपुर है, ये सभी प्रदेश जो हैं इस वक्त विधानसभा चुनाव के आगोश में हैं। और तो ये जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं ये दरअसल एक तरीके का ये मेला चल रहा है, ये एक त्यौहार है जो अमूमन हर 5 वर्ष के बाद देखने को मिलता है, एक बार फिर है। अब जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए तो ये एक त्यौहार से कम तो निश्चित रूप से नहीं है, ये पूर्ण रूप से एक मेला है जो मेला चल रहा है। और इस त्यौहार में, इसको लोकतंत्र का पर्व भी कहा जाता है, और इस त्यौहार में सब भागीदार होते हैं, वोटर होता है, नेता होता है, और हम लोग अपना नेता चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए कानून बना सके, वो हमारे लिए किस तरीके से देश में व्यवस्थाओं को चलना है, प्रदेश में व्यवस्थाओं को चलना है, किस तरीके का शासन देना है, उस चीज़ पर काम कर सके। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे, हमारे दो संवाददाता हैं, एक हमारे साथ हैं शुभम साहब हैं हमारे साथ लखनऊ से, ब्यूरो चीफ है हमारे, और दूसरी तरफ हैं चमोली से हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार। तो हम दोनों अपने साथियों को जोड़ेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इस वक्त जो त्यौहार चल रहा है उसमें सभी भागीदार हैं, चाहे वोटर हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। और इसमें, इस पूरे मेले में जो एक स्टॉल लगा है उसमें मीडिया वालों का भी एक स्टॉल लगा है इस मेले में, क्यों शुभम भाई? मैं कह रहा हूँ ये जो मेला चल रहा है चुनावों का, इसमें हर किसी की दुकान लगी है, इसमें नेताओं की लगी है, जनता की लगी है, सबकी लगी है, जो पूरा पर्व चल रहा है, त्यौहार जो चल रहा है, तो उसमें मीडिया वालों की भी दुकान लगी है, स्टॉल लगा है हमारा भी, मेले का आनंद ले रहे हैं हम लोग भी। लेकिन इस आनंद के बीच एक चीज समझेंगे, ये हमारी आपसी जो बातचीत है उस नज़र से इसको देखेंगे, क्योंकि शुभम जी आप उत्तर प्रदेश के हमारे स्टेट हेड हैं तो आप बड़ा करीब से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। हाथी की रफ्तार ज़रूर धीमे है, हाथी की रफ्तार ज़रूर धीमी है, लेकिन हाथी का वजन तो उतना ही है, ठीक है। ये मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं कि जहां जहां हाथी है वहां वहां साइकिल को वो आज भी तोड़ रहा है, जैसे पहले तोड़ देता था पैर रखकर, एक
पीछे वाला पहिया तोड़ दिया, कभी आगे वाला पहिया तोड़ दिया, तो आज भी उसी तरह से पहिया तोड़ रहा है क्योंकि वजन नहीं उसका घटा है। हाथी ने उतनी रफ्तार से चलना जरूर रोका है लेकिन वजन तो आज भी उतना है। तो और पहले से जो लड़ाई है, हाथी को पता है कि उसका जो दुश्मन है प्राथमिक रूप से वो साइकिल है, तो वो साइकिल को तोड़ने में लगा है और साइकिल यहाँ जो है फूल के ऊपर चलाने की जद्दोजहद में है। वो सोच रही है हम फूल के ऊपर चला दें अपनी साइकिल तो फूल को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दें। अभी अगर मैं आपसे पूछूं आज की दिशा और दशा जो है चुनावों की किस ओर जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान हो गया है, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, इस दिन भी मतदान होना है, प्रेम का दिन है, तो क्या प्रेम पूर्वक जो मतदाता हैं वो उतना ही प्रेम दिखाएंगे और मतदान करेंगे? और इस बार पिछले चुनावों के अगर मैं कंपैरिजन करूं शुभम जी, तो लोगों के अंदर उतना उत्साह नहीं है, उतना जुनून नहीं है जैसा पिछली बार था कि लोग भाग भाग कर वोट डालने जा रहे थे, लेकिन इस बार उतना जुनून नहीं है। शुभम जी, जी हाँ बिल्कुल, कहना चाहेंगे जिस तरीके से कह सकते हैं कि 2017 में जब मतदान हुआ था कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जो 11 जिलों में मतदान आज हुआ जो 10 तारीख को हुआ था उसकी अपेक्षा बहुत कम हुआ, कह सकते हैं कि जब 69% हो चुका था 2017 में, इस बार जो परसेंटेज गिरा है उसमें साफ कहा जा सकता है कि किसी भी पार्टी की लहर नहीं कही जा सकती है, कहीं ना कहीं जो लहर है, लहर की बात की जा रही है उसको नहीं कह सकते कि लहर है, क्योंकि मतदान का जो परसेंटेज है वो पूरी तरीके से गिरा हुआ है, 1-2% नहीं गिरा है, लगभग 9% के आसपास गिर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि मतदाताओं जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं समझ के बैठे हैं कि आखिरकार जो मतदान है किसको करना है क्या करना है, आने वाली जो तारीखें होंगी जो मतदान का परसेंटेज होगा वो अब बताएगा, क्योंकि 14 तारीख को 9 जिलों का जो मतदान है उसमें क्लियर होंगी चीजें कि अब परसेंटेज बढ़ेगा या इसी रफ्तार से जिस तरीके से गिरा है और इसी तरीके से नीचे पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप लोगों से भी मिल रहे हैं और बातचीत भी हमारी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। एक चीज और जानना चाहूंगा सुभाष जी, वो शुभम जी मैं यहां पर, कि लखनऊ में अभी इस वक्त जो गठबंधन चल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ वाला, इसमें सुभाषपा भी है, इसमें तमाम अन्य पार्टियां भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अभी अभी आए हैं, हर कोई है, तो ये जो साइकिल है इस पर 6-7 आधा दर्जन लोग तो सवार है ही हैं, लेकिन साइकिल पे सवार जरूर 6-7 लोग हैं लेकिन देखने को सिर्फ जयंत चौधरी मिल रहे हैं, तो ये बाकी लोग जो हैं थोड़ा नाराजगी है कि नहीं है कि भैया जो बस चल रही है प्रदेश में, जो बस दौड़ रही है भागा भाग लगी है, उस बस की छत पर चढ़े तो केवल जयंत क्यों चढ़े, स्वामी प्रसाद क्यों ना चढ़े, उस बस पर ये ओम प्रकाश राजभर साहब क्यों ना चढ़े, तो इन लोगों को क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि जाटों का जो जो एक वोट बैंक है उसको साधने के लिए उनको पूरी तरीके से लाया गया था, अखिलेश यादव कह सकते हैं उनको अपने अपने जो यात्रा थी उसमें शामिल किया, उसी के साथ अब जो जो पूर्वांचल में जिस तरीके से अब यात्राएं होंगी उससे साफ कहा जा सकता है बाकी लोग जो है उनको भी लेकर आएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वोट बैंक है जो सीमित वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींच सके, लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी है कि जिस तरीके से जो परसेंटेज गिर रहा है मतदान का उसमें और काफी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि आगे का जो मतदान का जो परसेंटेज गिर रहा है उसका साफ नतीजा ये भी हो सकता है कि जो मतदाता है वो किसी की लहर नहीं देख रहे हैं, किसी की लहर नहीं कही जा सकती कि बीजेपी की लहर है या सपा अपना जो एजेंडा लेके आई है उसको, ठीक है चलिए ठीक है, ठीक या बीजेपी की लहर है किसी की लहर नहीं कही जा सकती है। हमारे साथी जुड़ गए हैं, और आप उत्तराखंड में पूरा देख रहे हैं उत्तराखंड को, सुभाष जी ये मैं सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बात मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब कहा जा रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब जो ये यहाँ का पश्चिमी क्षेत्र था इसको शिमला बना देंगे, इसको नैनीताल बना देंगे, यहाँ ठंड का वो कर देंगे, तो ऐसे में देहरादून का क्या माहौल चल रहा है ये बताइए, वहाँ तो ऑलरेडी ठंड है तो वहाँ पर गर्मी चर्बी इस तरीके के बयान तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो फाइट है उसमें कितनी धार चल रही है अभी?
बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में केवल बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिलती है, और इसके साथ ही खासतौर से जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे हरिद्वार जनपद हो या फिर उधमनगर का जनपद, इन जनपदों में जरूर कोई अन्य दल, चाहे बसपा हो या फिर सपा जैसे दल और आम आदमी पार्टी जैसे दल, ये जरूर यहाँ कहीं ना कहीं टक्कर देते हैं, वोट बैंक जो परसेंट है उसको अपनी तरफ लेते हैं। लेकिन पहाड़ों में अगर कहा जाए तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल नजर नहीं आता। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय दल भी कुछ काम करता हुआ नजर नहीं आता। और पहाड़ों में ये जरूर है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं चुनाव में वो जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन अगर राजधानी देहरादून की बात करें, राजधानी देहरादून में जो जिला है उसमें लगभग 10 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें जो चकराता विधानसभा है वो पहाड़ी क्षेत्र की विधानसभा, और इस सीट से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अभी चुनाव मैदान में, और प्रीतम सिंह का ये गढ़ माना जाता है, यानी कि कांग्रेस के लिए यहाँ जीत आसान हो सकती है। वही विकास नगर में आते हैं तो विकास नगर में कांटे की टक्कर है, एक तरफ है पूर्व मंत्री तो दूसरी तरफ है मुन्ना सिंह चौहान जो कि विधायक हैं और एक कद्दावर नेता भी हैं बीजेपी के। वहीं सहसपुर में आते हैं तो भाजपा के पूर्व विधायक हैं और साथ ही ये कहा जा सकता है कि आर्यन्द्र शर्मा जिनको पहली बार चुनाव मैदान में उतारा गया है और काफी मजबूत कैंडिडेट भी माने जाते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में इस समय ये समझना बेहद मुश्किल है कि आखिरकार देहरादून जिले में ज्यादा सीटें किसके पाले में आती है, बीजेपी के पाले में आती है फिर कांग्रेस के। लेकिन विधानसभा में ऐसे कोई भी सीट नहीं है जो निर्दलीय या किसी और अन्य पार्टी के पास जाएगी, या तो उसमें बीजेपी का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचेगा या फिर कांग्रेस का। जी ठीक है, सुभाष जी ये जानना चाह रहा था कि हम लोग जब नोएडा में बैठकर देखते हैं या फिर दिल्ली में बैठकर जब देखते हैं, तो इस वक्त अगर मैं बात करूं कि 21-22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, अब जो वहां पर दो पार्टियां हैं मुख्य तौर पर, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, ये दोनों नाम से जरूर अलग हो सकते हैं लेकिन इन पार्टियों के अंदर जो नेता हैं उनके अंदर कितनी, जैसे कांग्रेस का अगर कोई नेता है तो उसके अंदर कितनी कांग्रेस है, बीजेपी का कोई नेता है तो उसके अंदर कितनी बीजेपी है, ये समझ में नहीं आता। हम सुबह उठते हैं तो पता लगता है अरे ये परसों तक तो ये दास जो थे ये इस पार्टी में थे, आज इस पार्टी में, वो कल उस पार्टी में, उस पार्टी में, तो दोनों घर लगते हैं, पावर सेंटर पावर हाउस लगते हैं लेकिन हैं सब एक ही। बिल्कुल ये कहा जा सकता है दल बल की राजनीति उत्तराखंड में बहुत तेजी से चल रही है, और खासतौर से जिस तरीके से 2016 में एक बड़ा दल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था, उसके बाद से जो दल बल की राजनीति है या पार्टी बदलने की राजनीति है वो बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड में चलने लगी। और ये वजह है कि यदि अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो दूसरी पार्टी में शामिल होकर वहां से टिकट लेने की कोशिश सभी राजनीतिक दल अब करते हैं। सबका टिकट का ही खेल है, मुख्यमंत्री बिल्कुल टिकट को लेकर जरूर अपना दल बल करते हैं और दल बदलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अकेले जाने के साथ साथ अपने लोगों को भी ले जाने की कोशिश करते हैं कि आपको भी वहां टिकट दिलाया जाएगा। क्योंकि बड़ा कहा जा सकता है कई बड़े ऐसे चेहरे थे कांग्रेस के जो कांग्रेस की नींव के तौर पर देखे जाते थे, लेकिन 2017 में वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए और 2022 के विधानसभा में उन्हें लगा कि शायद वो फिर चुनाव ना जीते। बिल्कुल सुभाष जी, ये तो हम देख ही रहे हैं आजकल कि बड़ा नेता इधर से उधर जाता है तो अपने साथ लगेज भी ले जाता है, 5 MLA 4 MLA 5 सब लेकर जाता है। अब हमारे साथ एक और हमारे साथी हैं, सुरेंद्र कुमार साहब हैं, चमोली से हैं, आपके पीछे या तो बर्फ है और आप काफी चंचल हैं, तब से आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, स्क्रीन छोड़कर उधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, कैसे हैं आप ये बताइए सुरेंद्र साहब। मैं ठीक हूँ, वो एक्चुअली कवर में तो नाम है खबर में पे चुनाव का स्पॉन्सर मिलता है, तो मैं तो अपने कवर पर दिन से मैं जाना पड़ा तो थोड़ी चंचल हूँ। ये क्या चमोली में क्या बर्फबारी हो रही है क्या, ये पीछे आपके क्या बर्फबारी है क्या? अच्छा अब ये बताइए, ठीक है चमोली से आप थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश करिए कि चमोली जो है उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे जो देहरादून है प्रॉपर एक मैदानी इलाका है तो वहां पर सियासत अलग रूप से काम करती है, मुद्दे अलग हैं, लेकिन चमोली और यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर मुद्दे जरूर अलग होंगे, तो यहाँ पर किस तरीके से राजनीति जो है चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैदानी क्षेत्र में जो पहाड़ है चमोली में जिससे भूमिका है कि जो मतदाता हैं चुनावी जो पार्टियाँ हैं उनके जो हैं वो अलग होते हैं। वहाँ पे
ये है नहीं कि जनता के मुद्दे सही है। देखिए प्रत्याशी के बीच और जनता के मुद्दे की है या नहीं, यहाँ पे सिर्फ चेहरे और साथियों के जो बने बने पटावे लोग उनके नाम से चुनाव लड़े जा रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं आप भी तमाम जो चमोली के कई तमाम लोग जो चुनाव कर रहे हैं और लगातार प्रधानी में हूँ, यहाँ भी लोगों ने चुनाव बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया हुआ था। आज वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के एक्शन जेई और जो चले ठीक है बोलते रहे अटक ही गया। मैं काफी देर से सोच रहा था कि पहाड़ी इलाकों से बात करता हूं तो कनेक्शन बहुत वीक होता है। ठीक है आपके पास आऊंगा सुरेंद्र साहब, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अजीम साहब और हैं, अजीम साहब हरिद्वार से हैं हमारे और ब्यूरो चीफ ही हैं हरिद्वार के। अजीम साहब ये बताइए अमित शाह जी आ रहे हैं क्या आज? देखिए कविंद्र आज रुड़की में योगी जी का प्रोग्राम था लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया है और हरिद्वार की राजनीति इस टाइम पूरी गरमाई हुई है। लोकतंत्र का महापर्व कहा जाने वाला 2022 में मात्र दो दिन रह गए हैं और लोगों में उत्साह है। लोग उत्तराखंड में परिवर्तन करना चाहते हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का जो चुनावी इतिहास है, बसपा जो है उत्तर प्रदेश के तीन जिले हरिद्वार जिले से मिलते हैं, सहारनपुर हो चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे बिजनौर, यहाँ पर बसपा का एक बड़ा जनाधार रहा है। 2012 में बसपा के तीन विधायक थे और इस बार जो राजनीति देखने को मिल रही है बसपा जो है किंग मेकर की भूमिका यहाँ निभा रही है। हरिद्वार में करीब 4 सीटें जो है ऐसी हैं जो बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं 2017 से 2022 में अभी चुनाव जो है किस करवट है, मतलब अलग कैसे है ये बताइए। जैसे 2017 में जब चुनाव हो रहा था तब भी आप देख रहे थे, इस बार जब चुनाव हो रहा है तब भी आप देख रहे हैं। 2017 में जो है 2017 में कांग्रेस की 3 सीटें आई थी हरिद्वार जिले में 11 सीटों में से, बसपा का जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया था, बसपा बिल्कुल एक भी सीट नहीं निकल पाई। जब 2002 में उत्तराखंड में चुनाव हुआ तो बसपा की 9 सीटें हुआ करती थी, 2007 में 7 सीटें रह गई और 2012 चुनाव हुआ उसमें 3 सीटें, 2017 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार जो है चुनाव अलग ही देखने को मिला है कविंद्र, बसपा का कई सीटों पर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बसपा हरिद्वार की बात करें 11 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें से क्लियर बसपा की आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है शुभम जी, बसपा जो है इस बार से 2012 की तरह किंग मेकर की भूमिका निभाएगी यहाँ पर। ठीक है शुभम जी के पास चलेंगे, लखनऊ से हैं। शुभम जी ये बताइए जो पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसमें हम देख रहे थे जो जहां पर वोटिंग हो रही है एक चीज हमने महसूस की कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, महिला वोटर जो है उसमें सब आगे आगे बढ़ चढ़ कर मतदान करते हुए नजर आए, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो हिंदू वोटर या फिर हिंदू जो महिलाएं हैं, विमेन हैं, वो उतना ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर वोट करती हुई नजर नहीं आई। ये काफी लोग जो हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं जिन्होंने देखी है ये चीज, वो भी इस बात को कह रहे हैं। इस बार जो मतदान हुआ है उसमें काफी ज्यादा जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी तरफ से जो मतदान किया गया है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जो बदलाव की स्थिति है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लहर किसी की नहीं है। जो मतदाता जब घर से निकल रहा है वो अपने मन में विचार बना चुका है कि मतदान किसे करना है और किसकी सरकार आएगी। सीधी सी बात है, जब अगर लहर होती तो परसेंटेज 2017 के हिसाब से होता, लेकिन परसेंटेज जब गिरा है तो लहर नहीं कही जा सकती। लेकिन लोग जो है जो अब जो महिलाएं हैं जो कह सकते हैं कि जो बेस्टी की तरफ जो महिलाएं हैं उनका भी जो वोट बैंक है वो भी बहुत मजबूत है। कह सकते हैं उनका वोट बैंक भी हमेशा जो है लखनऊ के ऊपर बात की जाए तो लखनऊ में वो वोट बैंक के मामले में हमेशा दूसरे नंबर पर रही है, भले ही उनकी जो है सरकार नहीं बन पाती है या वो नहीं आ पाती सत्ता में, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो कहा जा सकता है वो जरूर पार्टी जो है वोट बैंक उनका जो है वो बहुत मजबूत रहता है। अगर लखनऊ की चलती विधानसभा की बात की जाए तो बक्सी का तालाब पड़ता है, यहाँ पर बीएसपी की तरफ से सलाउद्दीन सिद्दीकी जो है पूर्व राज्य मंत्री है उनको उतारा गया है और कहा जा सकता है, और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की गई है। इससे पहले यहाँ पर नकुल दुबे को टिकट दिया गया था बीएसपी की तरफ से, तब वो बीजेपी की लहर होते हुए मात्र 17,000 वोट से हारे थे। कहा जा सकता है जो वोट बैंक है बीजेपी का जो बीएसपी का वो कहीं ना कहीं एक समय वोट बैंक है, जो उसका वोट बैंक है वो हमेशा जो है स्ट्रांग
रहता है। और ये जो भी कह सकते हैं कि बीएसपी जितना जो है धीरे चल रही है, सभी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का घर भी इतिहास रहा है कि हमेशा जो है बीएसपी जनता जो है बदलाव चाहती है, हमेशा सरकारें बदलती। ठीक है सुभाष जी, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं, सुभाष जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम जब बात कर रहे थे तो एक जगह अभी याद है मुझे, वहाँ हमने कई घरों में ये देखा कि जो दादा हैं, जो वृद्ध हैं घरों के बुजुर्ग लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रालोद के साथ हैं, हम रालोद के साथ हैं, और उसी घर का जो युवा है वो कह रहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो युवा जो पश्चिम बेल्ट में मैंने देखा कि युवा ज़्यादातर बीजेपी के साथ नजर आए और जो वृद्ध हैं वो ज़्यादातर रालोद के साथ नजर आए। तो उत्तराखंड में अगर मैं युवा और बुजुर्गों के बीच बात करूं तो युवाओं की पहली पसंद आपको क्या नजर आ रही है और बुजुर्गों की पहली पसंद क्या नजर आ रही है, क्या दोनों में अंतर है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, बुजुर्ग काफी हद तक भाजपा का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन युवा इस बार काफी अलग वोटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल देखा जाएगा कि आखिरकार राज्य सरकार ने 5 सालों में क्या विकास कार्य किए, जनता के लिए क्या दिया, युवाओं के लिए क्या दिया, जो बेरोजगार युवा थे उन्हें कितना रोजगार मिल पाया, उनके गांव में कितना विकास हो पाया, उनके घरों तक सड़क पहुंच पाई, उनके घरों तक पानी पहुंच पाया, उनके घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंच पाए, उसके साथ ही उनको आखिरकार क्यों मजबूर होना पड़ रहा है अपने घरों से दूर जाकर नौकरी करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बार का जो चुनाव है वो बेहद अलग हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से 2017 में लगभग 57 विधायकों के साथ बीजेपी विधानसभा पहुंचकर अपनी सरकार उन्होंने बनाई थी, लेकिन इस बार 60 पार का जो नारा बीजेपी दे रही थी शायद वो साकार ना हो, और इस बार जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन एक बड़ा इतिहास उत्तराखंड का ये भी है कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी की सरकार बनती है तो दूसरी बार कांग्रेस की, तो ये साफ है कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर हो सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी इंतजार करना होगा हमें 10 मार्च का कि आखिरकार 10 मार्च को किस तरीके के नतीजे सामने निकल कर आते हैं। लेकिन 14 फरवरी का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उस दिन कितना वोट परसेंट उत्तराखंड को बढ़ता है, यानी कि ये उम्मीद की जाती है यदि वोट परसेंट बहुत अधिक संख्या में बढ़ता है, वोट परसेंटेज बेहतर रहता है, तो ये जरूर है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, और यदि वोट परसेंट कम रहता है तो ये समझा जा सकता है कि कांटे की टक्कर जरूर उत्तराखंड में नजर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड में एक वोट ऐसा भी है बैलेट पेपर का जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है, और बैलेट पेपर का लगभग 70% जो वोट होता है वो बीजेपी के हक में जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से सैनिक हैं जो सेना में अपनी योजना सेना में है और सेना में अपना योगदान दे रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो बैलेट पेपर भी बहुत अधिक मायने रखता है उत्तराखंड में। लेकिन इंतजार 10 मार्च का है कि आखिरकार 10 मार्च को उत्तराखंड में किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, ठीक है अजीम साहब, ये और एक और चीज जानना चाहेंगे वो ये है कि जब विकास की बात करते हैं तो सड़क हुआ, पानी हुई, बिजली हुई, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुई, इन्हीं सभी चीज़ों को अगर एक पैकेट में रख दें तो यही तो विकास है। मतलब जो विकास की जो मूलभूत जो बात है वो यही है कि इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त कर दीजिए, यही विकास है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे विकास के आप कितना भी कहिए लेकिन ये सब नहीं होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। तो जैसा हम यूपी में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है पोलराइजेशन चल रहा है कि किस तरीके से इसको हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया जाए। बीजेपी चाहती है हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए, अन्य पार्टियां चाहती हैं कि जातियों में बट जाए कि जाट हमारा है, ये मल्ला हमारा है, केवट हमारा है, ये जातियां हमारी हैं, तो बांटने का गेम बड़ा चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं जानूं, हकीकत जानूं, अगर आप हरिद्वार इसके आसपास के क्षेत्रों का मुझे बताएं तो यहां पर पोलराइजेशन की उतनी बात नहीं है। नेता जब अपने भाषण दे रहे हैं तो पोलराइजेशन नहीं है। अगर बीजेपी का नेता है तो वो कांग्रेस पर कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया जब तक आप रहे, कांग्रेस वाला कह रहा है बीजेपी से कि आपने कुछ नहीं किया आप रहे, और ये दोनों है संगी साथी, बदल बदल कर आते हैं। बिल्कुल कविंद्र, जिस तरीके से बीजेपी जो है चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन इस बार इस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो इस तरह का कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से विकास नहीं हुआ है लोगों में, किसानों में, नौजवानों में, महिलाओं में गुस्सा है, क्योंकि विकास के नाम पर जो है पूरे 5 साल तक बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम, हालांकि उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री बदलने का काम ही हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लोगों में गुस्सा है, किसानों में किसान बेल्ट कही जाती है उत्तराखंड, इसमें किसानों में गुस्सा है बीजेपी के प्रति, क्योंकि किसानों को 5 साल तक गन्ना मूल्य जो है वो नहीं बढ़ाया गया उनका,
किसी तरह की उन्हें सुविधाएं नहीं दी गई, खाद के मूल्य जो है बढ़ा दिए गए, खाद के जो खाद उनको दिया गया, जो कृषि यंत्र दिए गए उसके रेट बढ़ा दिए गए, डीजल बढ़ा दिया गया, इसलिए किसानों में गुस्सा है और नौजवानों को नौकरी नहीं दी गई। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था जो है अपने घोषणा पत्र में करिए कि एक साल में जो 5 साल है उसमें 4 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएगी, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर दिख रही है, ठीक है, कांग्रेस की तरफ माहौल बनता जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। सुभाष जी, मैं ये जानना चाह रहा था अजीम जी से, जो मैंने अभी पूछा उस पर ये था सुभाष जी बस, कि ऐसा तो हमने ना, आपने ना हमारे जो और साथी हैं यहाँ पर, सुरेंद्र जी हैं और शुभम जी हैं, अजीम साहब भी हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि ऐसा कोई चुनाव आज तक हुआ ही नहीं जिसमें ये ना कहा गया हो कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, किसान परेशान है, बेरोजगार है, सब है, सड़क सही नहीं है। हर चुनावों में है, चाहे किसी की सरकार हो, ये बात होती होती है कि लोगों में गुस्सा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी नहीं हुआ। कभी सरसों का तेल महंगा हुआ तो कभी कहेंगे कि गुलाब जामुन महंगा हो गया, कभी कहेंगे फलाना तेल महंगा, कभी कहेंगे ये महंगा वो महंगा, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं जिस पर बात कर रहा हूँ वो ये है कि मुद्दे, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या किया जा रहा है कि किस तरीके से, जैसा कि 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा था या इसके बाद कैराना पलायन का जो मुद्दा था, इसको लेकर जाट और मुसलमानों को अलग किया गया और पूरा जाट जो था पश्चिम का उसने बीजेपी को वोट किया। मुसलमान तो हमेशा बंटता है, मुसलमान या तो सपा को करेगा या बसपा को करेगा या कांग्रेस को करेगा, उसे जिसमें संभावना दिखेगी कि ये बीजेपी को हरा सकता है वो उसी को वोट कर देता है, ठीक है। अभी उसे सपा में संभावना दिख रही है तो सपा को चला जाएगा मुसलमान वोट, ये कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों के द्वारा। तो यहां पर ये चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में इतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं है, तो उत्तराखंड में आज भी कहीं ना कहीं पोलराइजेशन इतना ज्यादा नजर नहीं आता है, ना नेताओं की स्पीचेस में नजर आता है ना कहीं और, लेकिन एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाते हैं। हम किसी कांग्रेस के नेता की सुन ले, वो कहेगा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और बीजेपी वाला कहता है कि कांग्रेस ने अपने शासन में कुछ नहीं किया, और ये दोनों ही भाई हैं, एक एक करके आते हैं, और लेकिन इनके अंदर ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा इनके अंदर इतना मनोबल है कि ये बातें कह लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा लेते हैं, जब ये बदल बदल कर बाकी बारी बारी से अपनी सीट हथियाते रहते हैं। सुभाष जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में इससे पहले इस तरीके की राजनीति नहीं देखी जाती थी जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में होती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का चुनाव आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया गया और इसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं आक्रामक रही, उन्होंने कहा कि हम 4 धाम बनाएंगे, हम केदारनाथ धाम को विकसित करेंगे, और कांग्रेस कहती है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी, तो कहा जा सकता है कि इससे राजनीति का जो स्तर है वो साफ तौर से नजर आ रहा है कि कितना गिर चुका है उत्तराखंड में। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार वो राजनीतिक दल, वो राजनीतिक नेता, वो बड़े नेता जिनको गिनाने चाहिए थे कि आखिरकार 5 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने किस तरीके की योजना जनता के लिए दी, क्या विकास कार्य उन्होंने किए। योजना नहीं है, बस चुनाव जैसे ही आते हैं भाषणबाजी है। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी के कारण यही रुकना होगा हमें, और सुरेंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठंड बहुत है, पहन कर रखिए कपड़ा पड़ा बढ़िया से, ठीक है। शुभम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से देवभूमि में जो चुनाव है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 14 फरवरी को होने वाली है और उत्तराखंड में भी होगी, बाकी जो चुनाव के परिणाम है वो 10 मार्च को खुलेंगे, 10 मार्च को तस्वीर साफ होगी। मीडिया की भाषा में कहते हैं कि ब्लर है, अभी तस्वीरें ब्लर हैं, थोड़ी सी धुंधली है, 10 मार्च को ये धुंधली तस्वीरें साफ हो जाएंगी और साफ निकल कर पता लगेगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो।